हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज चंद्रेश भांगे, फैकल्टी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडेज सब्जेक्ट नेम इज माइक्रोवेव एंड रडार। टुडेज चैप्टर नेम इज माइक्रोवेव एक्टिव कंपोनेंट एंड टुडेज टॉपिक इज टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर एंड मैग्नेट्रॉन। डियर स्टूडेंट, नया चैप्टर शुरू करने के पहले लास्ट चैप्टर में अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ जंक्शन पढ़े हैं, ई प्लेन टी, वोल्टेज टी और सीरीज जंक्शन टी। ये एक टाइप का टी पड़ा हुआ है। सेकंड इसका टाइप होता है एच प्लेन टी, करंट टी। थर्ड मैजिक टी और हाइब्रिड टी। और फोर्थ रैट रेस रिंग टी। ऐसे चार टाइप के टी जो वेवगाइड को ज्वाइंट करने के लिए काम में आते हैं। ये टी के बारे में इंफॉर्मेशन अपन ने पढ़ी है इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। फेराइट्स कंपोनेंट्स पढ़े, जैसे आइसोलेटर हो गया। आइसोलेटर में क्या था, सिग्नल जो है वो सोर्स से लोड के तरफ जाता है, लेकिन जब लोड से लेके सोर्स के तरफ जाने की कोशिश करता है तो उस सिग्नल को आइसोलेटर ब्लॉक कर देता है। और सर्कुलेटर उस सिग्नल को रोटेट करने के लिए काम में आता है, जिसे अपन सर्कुलेटर कहते हैं। गायरेटर एसेसरी जैसे फ्लेंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स एंड कॉर्नर्स, टैपर्स एंड ट्विस्ट, ये जो माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट है जो वेवगाइड को जॉइन करने के लिए काम में आता है। डायरेक्शनल कपलर जो वेवगाइड को कपल करता है, जॉइंट करता है, उसका डायरेक्शन चेंज करके जॉइंट करने के लिए काम में आता है। डिश एंड हॉर्न एंटीना, जो एंटीना माइक्रोवेव डिवाइस के वर्क, जैसे वेवगाइड हो गया, सैटेलाइट हो गया या रडार हो गया, ऐसे वक्त एक एंटीना यूज किया जाता है, जिसे डिश एंटीना भी कहा जाता है या हॉर्न एंटीना कहा जाता है। यूनिट आउटकम या कोर्स आउटकम यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको कौन सा नॉलेज मिलने वाला है वो एक बार देख लेते हैं। मेंटेन एक्टिव माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। एक्टिव माइक्रोवेव कंपोनेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, उसके डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मिलने वाली। यूनिट आउटकम, ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको कौन से नॉलेज बढ़ने वाली है। डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट स्केच द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी मॉडुलेशन एंड बंचिंग इफेक्ट फॉर द गिवन माइक्रोवेव ट्यूब। जैसे वेलोसिटी मॉडुलेशन माइक्रोवेव ट्यूब के अंदर किस तरीके से होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैसे बढ़ती है, और बंचिंग इफेक्ट यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कैसे बनते हैं, उसे कहते हैं बंचिंग इफेक्ट। ये यूनिट पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आपको आने वाला है जो माइक्रोवेव ट्यूब के अंदर में बनती है। प्रिपेयर ड्रॉ द एप्पल गेट डायग्राम फॉर गिवन पैरामीटर ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब। एप्पल गेट डायग्राम जो है, एप्पल गेट डायग्राम यानी क्या होता है, एक टाइप की वेवफॉर्म होती है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन इसमें पढ़ने को मिलेगी। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ गिवन माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में आपको उसके एप्लीकेशन अलग अलग ये पढ़ने को मिलता है। कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ क्लेस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन ट्रैवलिंग वेव ट्यूब ऑन गिवन पैरामीटर, ये तीनों के कंपैरिजन अपने को यहाँ देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें क्या रहती है आगे देखने को या और पढ़ने को होगा। सेशन आउटकम, इसमें क्या आज के टॉपिक में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आपको चार टॉपिक पढ़ना है, जैसे टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, टू कैविटी इन मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन, रिप्लेस क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर और मैग्नेट्रॉन। अभी ये नामों से आपको बहुत बड़े बड़े नाम दिख रहे होंगे, लेकिन ये एकदम आसान है तो इसमें और एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है चारों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं, जो एनबीए ने दिए हुए हैं। ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज,
जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है, तो इस वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या, ये पता करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता, जो है PO3। PO4 क्या है? इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या, जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता, यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी, इस ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है उसका, वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या? इथिक्स। इथिक्स यानी क्या? बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है? इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका, उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी व्हाट शी और ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम, ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें? EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या? इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेकर PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1, PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे इसके क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए इस यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी साइट इज सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स, ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरी जो है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है PO10,
या फिर सेटिस्फाइड हुआ है। और ये पीएसओ में PSO 1 सेटिस्फाइड हुआ है जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत रहती है, जैसे माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर के बारे में पता होना चाहिए, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल के बारे में पता होना चाहिए, और माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वेवगाइड जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम में आता है। और हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ पे भी वर्ड आया वहाँ माइक्रोवेव सिग्नल यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही आता है, इसलिए इस सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो जनरेट करने के लिए लगता है ट्रांसमीटर, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो ट्रांसमीटर्स ने तो ट्रांसमिट कर लिया, लेकिन रिसीवर उसे रिसीव करने के लिए रिसीवर की इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, और वो एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जो चैनल लगता उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता रहना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का नाम है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम है और ये है एप्लीकेट डायग्राम। जैसे हर वक्त अपन वेवफॉर्म बोलते हैं, यहाँ पे वेवफॉर्म नहीं बोलना है, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर जब भी आता है तब उसे वेवफॉर्म नहीं यानी उसको यहाँ पे वेवफॉर्म नहीं बोलना है, ये है एप्पल गेट डायग्राम। तो ये वर्ड याद रखना है, एप्पल गेट डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है एप्पल गेट डायग्राम। और ये है आपकी डायग्राम। तो अब इसमें क्या है, ये है माइक्रो इलेक्ट्रॉन ट्यूब, यह है माइक्रो इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ये पूरा जो सेटअप दिख रहा है आपको ये, ठीक है। यहाँ पे दो कैविटी है, ये एक कैविटी हो गई और ये सेकंड कैविटी होगी। ये पहले कैविटी का नाम होता है इनपुट कैविटी और ये है बंचर कैविटी, ठीक है। और ये है आउटपुट कैविटी, ये है आउटपुट कैविटी, यह आउटपुट कैविटी, यह है इसका दूसरा नाम है कैचर कैविटी। यहाँ से इनपुट दिया जाता है जो वीक सिग्नल है, और यहाँ से आउटपुट लिया जाता है जो स्ट्रॉन्ग कन्वर्ट होता है, यानी इनपुट वीक सिग्नल को ये आउटपुट स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। यानी एम्पलीफायर का काम होता है वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, एक जैसे गन बंदूक की गोली छोड़ता है वैसे ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, और ये कलेक्टर उसे कलेक्ट करता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है। तो इसका वर्किंग देखते हैं। द RF सिग्नल टू बी गिवन टू द इनपुट बंचर कैविटी देयर बाय डेवलपिंग एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द सिग्नल फ्रिक्वेंसी अक्रॉस द गैप ए। गैप ए का हाँ ये है गैप ए। यहाँ पे क्या होता है, जैसे RF इनपुट सिग्नल अपन इसको दे रहे हैं, गैप ए में अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी ये वोल्टेज तैयार होता है गैप ए में। तो यहाँ पे लिखा है द RF सिग्नल गिवन टू द इनपुट बंचर कैविटी, ये है बंचर कैविटी, यहाँ पे RF इनपुट सिग्नल अपन देते हैं। Therefore, developing an alternating voltage, यहाँ पे alternating voltage तैयार होता है जैसे पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ द सिग्नल फ्रिक्वेंसी अक्रॉस द गैप, यानी गैप ए पे ये तैयार होता है। कंडीशन वन के वक्त आपको TB देखना है, TB यानी ये, TB यानी उस वक्त आपको TA और TC नहीं देखना है, सिर्फ TB देखना है। TB के वक्त क्या रह रहा, ना पॉजिटिव है ना, या ना पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है, ये है जीरो पोजीशन। इस वक्त क्या होता है, एट पॉइंट TB ऑफ द इनपुट RF साइकिल द इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू जीरो वोल्टेज एंड हेंस एट दिस इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन बीम वेलोसिटी अनचेंज विच ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहाँ पे क्या होगा, एट पॉइंट TB ऑफ द इनपुट RF साइकिल यानी इनपुट RF साइकिल के वक्त इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू जीरो वोल्टेज। जैसे यहाँ पे जीरो वोल्टेज है,
इलेक्ट्रॉन इस सब्जेक्ट के एट द जीरो वोल्टेज, यानी इस वक्त ये जो गैप आपको दिख रही है यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पे टीबी में कौन सा वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज है, और इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो रहे हैं उस पे जीरो वोल्टेज होने के वजह से इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन से वो वही स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से कलेक्टर के तरफ जाते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एट पॉइंट टी बी ऑफ द इनपुट आरएफ साइकिल इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू जीरो वोल्टेज, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो यहाँ से ट्रैवल हो रहा है इस पे जीरो वोल्टेज का इफेक्ट होता है क्योंकि टीबी में जीरो वोल्टेज रहता है। हेंस एट दिस इंस्टेंट, इस वक्त क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेलोसिटी अनचेंज, यानी इलेक्ट्रॉन बीम की जो स्पीड है, वेलोसिटी यानी स्पीड, वो अनचेंज होती है, एक ही कांस्टेंट स्पीड से वो यहाँ से कलेक्टर के तरफ ट्रांसफ़र होता है या फिर एनोड के तरफ ट्रांसफ़र होता है, कलेक्टर यानी एनोड, वेलोसिटी अनचेंज विच ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, विच ये कैथोड से विदाउट स्पीड चेंज अनचेंज है ये यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। कंडीशन टू, कंडीशन टू के वक्त आपको क्या देखना है, टी सी, टी सी यानी मैक्सिमम पॉजिटिव। इस वक्त गैप ए में मैक्सिमम पॉजिटिव आता है इस, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फील्ड होता है, नेगेटिव, तो ये जो गैप में ए पॉजिटिव है, मैक्सिमम पॉजिटिव है, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है गैप में। इस वक्त क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में जो निगेटिव है और यहाँ का पॉजिटिव, ये एक मेक की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज अप्लाई यानी अट्रैक्ट होने के वजह से उसकी स्पीड एकदम बढ़ जाएंगी, और स्पीड बढ़ने के वजह से ये कलेक्टर के तरफ ज़्यादा फास्ट स्पीड से ट्रैवल करेगा, यानी इस वक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा रहेगी कलेक्टर के तरफ जाने की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आरएफ इनपुट के वजह से यहाँ तैयार हो रहा है और पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्ट होने के वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे वही लिखा है एट पॉइंट टी सी, यानी एट पॉइंट टी सी ये फास्ट होता है, ऑफ द इनपुट आरएफ साइकिल, ऑफ द इनपुट आरएफ साइकिल इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम पॉजिटिव आरएफ वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन पे इसको सब्जेक्टेड है ना, इस पे मैक्सिमम पॉजिटिव का इफेक्ट होते रहता है, एंड इलेक्ट्रॉन बीम वेलोसिटी इंक्रीजेस, वो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, विच ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो ट्रैवल होता है कैथोड से लेके एनोड तक ज़्यादा स्पीड से। कंडीशन थ्री, कंडीशन थ्री यानी टी ए, टी ए यानी निगेटिव, मैक्सिमम निगेटिव, जो स्लोअर रहता है इलेक्ट्रॉन, इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जब पॉजिटिव था तो फास्ट था और इसके अपोजिट निगेटिव था, तो यहाँ पे आरएफ एनर्जी के वजह से यहाँ पे निगेटिव, ये गैप में, गैप ए में, ये जो गैप ए है यहाँ पे निगेटिव एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी निगेटिव एनर्जी है, तो निगेटिव निगेटिव क्या करता है, अपोजिटर यानी अपोज करता है एक मेक को, हिट अपोज ईच अदर, तो इस वजह से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एक मेक को अपोज करने के वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और यहाँ से वो ट्रैवल जो करेगी जो इलेक्ट्रॉन बीम वो स्लोअर रेट से करेगी, स्लोली ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम निगेटिव गैप ए में प्रेजेंट है, क्योंकि आरएफ इनपुट में मैक्सिमम निगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है बंचर कैविटी के गैप ए में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एट पॉइंट टी ए ऑफ द इनपुट आरएफ साइकिल इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम निगेटिव आरएफ वोल्टेज, मैक्सिमम निगेटिव वोल्टेज यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड इलेक्ट्रॉन बीम वेलोसिटी डिक्रीज,
उसकी जो बीम की वेलोसिटी इस वजह से क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस रिपेल इच अदर विच ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, विच ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड. देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द इनपुट आर एफ वोल्टेज, रिजल्टिंग इन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम. अभी क्या हो गया कि आर एफ वोल्टेज के वजह से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो अपन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और अनचेंज भी रह सकते हैं. यानी तीन कंडीशन हो गई. तो उसको यानी इस इलेक्ट्रॉन की बी जो स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, वो कंट्रोलेबल किसके हाथ में है? आरएफ सिग्नल के हाथ में है, क्योंकि वही पॉजिटिव देता है, यानी वही पॉजिटिव भी देता है, वही निगेटिव भी देता है और वही जीरो वोल्टेज भी देता है. तो ये यहाँ पे वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द इनपुट आर एफ वोल्टेज, रिजल्टिंग इन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. एज ए रिजल्ट इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंचेस फॉर्म एम्प्लीफाइड आर एफ सिग्नल टेकन फ्रॉम कैचर कैविटी. और इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बंचेस तैयार होंगे. बंच का मतलब क्या कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बीम रहा तो उसे एक कहेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बीम हैं तो उसे कहेंगे बंच. बंच यानी ग्रुप, ग्रुप यानी गुच्छा. तो वो ग्रुप जो है वो होगा यहाँ पे तैयार. तो ये एक बंच हो गया, ये दूसरा बंच हो गया. और ये कहाँ से लेंगे ये बंचेस, आउटपुट में या आर एफ आउटपुट से लेंगे, यानी आउटपुट कैविटी से लेंगे या फिर कैचर कैविटी से लेंगे. तो ये यहाँ से लिया जाएगा आर एफ आउटपुट. यानी यहाँ से इसका मेन काम क्या था, एम्प्लीफिकेशन, यानी वीक आर एफ इनपुट यहाँ से देंगे और यहाँ से स्ट्रॉन्ग वाला जो आउटपुट है यहाँ से आउटपुट में लेंगे. यानी वीक सिग्नल को ये स्ट्रॉन्ग करके आउटपुट में देगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंचेस तैयार होते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन बंचेस. बंचेस ऑकर्स ओनली वंस पर साइकिल. यानी एक बंच, ये एक बंच हो गया, ये सेकंड बंच हो गया, तो एक साइकिल के वक्त एक बंच तैयार होता है. यानी क्या साइकिल का मतलब क्या, ये यहाँ से लेके एक एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, ये कंप्लीट मिला के जो तैयार होता है उसे एक साइकिल बोलते हैं. तो एक साइकिल के वक्त एक बंच तैयार होता है. वैसे सेकंड साइकिल आए तो सेकंड बंच तैयार होगा. और ये एक 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 बंच या आउटपुट से अपन यहाँ से कलेक्ट करते जाएंगे. तो इस तरीके से इसका वर्किंग है. इसमें एक चीज़ और याद रखना है आपको, ये जो बंचर कैविटी जिसे इनपुट कैविटी भी कहते हैं, और ये आउटपुट कैविटी जिसे कैचर कैविटी भी कहते हैं, ये दोनों के बीच का जो गैप है इसे कहते हैं ड्रिफ्ट स्पेस. ये आपको याद रखना है. ये है सेकंड पार्ट जो अपन इसके पहले पढ़ा, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर. इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सेम वर्किंग सब सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ है. ये है अपना, वहाँ पे ये था अपना बंचर कैविटी, ये था अपना कैचर कैविटी, और ये दोनों के बीच में था इंटरमीडिएट कैविटी. इंटरमीडिएट कैविटी यानी दो कैविटी इसके बीच में अपन ने लगाए हुए है. और ये है इलेक्ट्रॉन बीम, जो इलेक्ट्रॉन गन से बीम कलेक्टर तक ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, तो यहाँ एक दो चीज़ें, दो कैविटी एक्स्ट्रा की लगाई गई है, जैसे ये आपको दिख रही है, ये एक कैविटी और ये एक कैविटी, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कैविटी. ये दो एक्स्ट्रा की, अभी क्यों लगाया है, यानी जो इसके पहले जो अपन ने पढ़ा टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, उसमें एक प्रॉब्लम था, उसका गेन कम रहता था. ठीक है, उसका आउटपुट कम मिलता था, लेकिन अगर आउटपुट बढ़ाना है, उसका गेन बढ़ाना है, तो उसके टू कैविटी इसके बीच में लगाए जाते हैं, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट कैविटी. तो आपको ये टॉपिक पढ़ने के पहले वो टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा, तो एकदम आसान है. टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन गिव 10 to 20 dB गेन, ये जा इसके पहले जो टू कैविटी है उससे ज़्यादा गेन देता है, 10 to 20 dB गेन दिया जाता है.
अ हायर ओवरऑल गेन कैन बी अचीव बाय कनेक्टिंग सेवरल टू कैविटी ट्यूब इन कास्केड, कास्केड यानी सीरीज में लगाए हैं, दो दो कैविटी इस सीरीज में लगाए हुए हैं, टू न्यू कैविटी कनेक्टेड बिटवीन द बंचर कैविटी एंड कैचर कैविटी, दिस न्यू कैविटी कॉल्ड इंटरमीडिएट कैविटी, इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट कैविटी, यानी ये बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच में दो कैविटी गेन बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं, जिसे इंटरमीडिएट कैविटी कहते हैं, फॉर इंक्रीज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिग्नल, फीडिंग द आउटपुट ऑफ इच ट्यूब टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट कैविटी, यानी एक कैविटी का जो आउटपुट है वो सीरीज में होने के वजह से दूसरे कैविटी का इनपुट बन जाता है, एक कैविटी का आउटपुट दूसरे कैविटी का इनपुट बन जाता है, एक कैविटी का आउटपुट दूसरे कैविटी का इनपुट बन जाता है, रिमेनिंग वर्किंग एज सेम लाइक टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। इफेक्ट ऑन बैंडविथ, बैंडविथ पे इसका इफेक्ट क्या होता है, इट इफेक्ट ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ द ट्यूब, यानी इसके वजह से ये ट्यूब का जो साइज है वो ब्रॉड करना पड़ता है, द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लिस्ट्रॉन इज सेट बाय साइजेस ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट कैविटी, यानी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लिस्ट्रॉन किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट साइज ऑफ कैविटी एंड आउटपुट कैविटी, यानी जो भी इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है ये कौन से फ्रिक्वेंसी पे काम करता है ये डिपेंड करता है, ये इसके इनपुट कैविटी का क्या साइज है और आउटपुट कैविटी का क्या साइज है। इफ कैविटी हैव हाई क्यू पॉइंट ऑन लोड लाइन देन सिग्नल बैंडविड्थ इज लोअर नैरोअर, यानी अगर हाई क्यू पॉइंट है, अगर डीसी लोड लाइन में अपन ने देखा था कि वो जो क्यू पॉइंट है वो अपर साइड में ऐसे सेचुरेशन रीजन में जाता है या फिर मिडल में रहता है जिसे एक्टिव रीजन कहते हैं, और उसके नीचे रहता है उसे रहते हैं कट ऑफ रीजन, तो ऐसे तीन रीजन में ये काम करता है जो डीसी लोड लाइन में रहता है, तो अगर ये हाई साइड में रहा तो उसका जो बैंडविड्थ है वो नैरो हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हो गए दो इंटर, यानी इसके पहले का जो टॉपिक और ये टॉपिक इंटर रिलेटेड है, बस इसमें एक चीज़ ज़्यादा आपको पता रहना चाहिए कि इसमें दो कैविटी अपने ज़्यादा के ऐड किए हैं, लगाए हैं सीरीज में, और किसके बीच में, ये बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच में, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट कैविटी। इसका फ़ायदा क्या होता है, गेन बढ़ता है, और ये गेन कितना देता है, 10 to 20 dB गेन देता है ये। एक्चुअल में टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर किस तरीके से दिखता है वो है, ये है इसके इंडस्ट्री में किस तरीके से दिखता है, तो वो आपको ये पिक्चर दिख रहे होंगे, ये सेकंड पिक्चर होता है, ये हो गया क्लिस्ट्रॉन, ये इसके और कुछ पिक्चर्स है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए यहाँ पिन्स है, ये है एनोड जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और ये सेकंड पिक्चर है। आज का सेकंड टॉपिक है रिप्लेस क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर या फिर ऑक्सीलेटर, तो इसका काम कि इसमें क्या है डिफरेंस, इसके पहले के टॉपिक में दो कैविटी थे या एक से ज़्यादा कैविटी थे, इसमें एक ही कैविटी रहता है, इसमें इनपुट नहीं देते, सिर्फ अपने को यहाँ पे आउटपुट मिलते जाता है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक में एक ही डिवाइस रहता है जो है ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर क्या करता है, ऑक्सीलेटर की डेफिनेशन क्या होती है, इट प्रोवाइड आउटपुट और इट जनरेट आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, इसको इनपुट नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पे इनपुट कैविटी हटा दी गई है, यहाँ पे सिर्फ आउटपुट कैविटी है, इसे भी कहते हैं एप्पल गेट डायग्राम। एप्पल गेट डायग्राम आपको ये याद रखना है दोनों वक्त, और इसमें भी ये तीन इसमें वर्किंग है, इसके पहले जो टॉपिक पढ़े नहीं होंगे एक बार पढ़ लीजिए, तो तीन इसमें, एक है ये जो साइन वेव इसके हिसाब से, तो एक है मैक्सिमम निगेटिव जिसे ई कहेंगे, ER यानी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो रेफरेंस यानी जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन के पोस्ट पास्ट वाला यानी EI जो मैक्सिमम पॉजिटिव, और उसके जस्ट अर्लियर वाला यानी मैक्सिमम पॉजिटिव, तो यहाँ पे तीन पोजीशन के वक्त वर्किंग अपने को देखना है,
ये यहाँ पे एक ही कैविटी है, ये है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन पे पॉजिटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स सेंड करता है, और रिपेलर पे रहता है निगेटिव सप्लाई। ये जो निगेटिव सप्लाई है रिपेलर पे दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। ये यहाँ पे निगेटिव सप्लाई है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर भी निगेटिव सप्लाई है, तो ये एक में को रिपेल करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्जेस और रिपेलर पे भी निगेटिव चार्जेस है, तो ये निगेटिव निगेटिव रिपेल इच अदर, यानी अपोज करता है ये। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है, और ये रिटर्न होके यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, जिसे अपन कलेक्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस है, वो अपन देखते हैं। ये जो ये गैप है, इसे कहा जाता है रिपेलर स्पेस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये रिपेलर स्पेस के ही स्पेस से ही इसका टाइम कैलकुलेट होता है, कि ये कितने देर से वापस आ सकता है यहाँ से। तो इसका वर्किंग देखते हैं। RF वोल्टेज दैट इज प्रोड्यूस अक्रॉस द गैप बाय द कैविटी ऑक्सीलेशन एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन बीम टू कॉज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। जो RF वोल्टेज दैट इज प्रोड्यूस अक्रॉस द गैप, अभी यहाँ पे गैप कहाँ पे आई, ये है गैप। अभी ये गैप में कौन सा सप्लाई दिया गया है, ये है, ये सप्लाई जो दिया है पॉजिटिव सप्लाई ये कैविटी को दिया गया है। ये सप्लाई के वजह से ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे तैयार होता है, और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ से दिया जाता है, और ये इसके वजह से यहाँ पे गैप में सप्लाई रेड तैयार होता है। तो इसलिए लिखा है RF वोल्टेज दैट इज प्रोड्यूस अक्रॉस द गैप बाय द कैविटी ऑक्सीलेशन एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन बीम टू कॉज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। इसका मतलब क्या है, ये जो सप्लाई दिया गया है, इस RF सप्लाई बोलते हैं, ये सप्लाई के वजह से इसका इम्पैक्ट ये गैप पे आता है, और गैप के होने के वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कंडीशन वन, कंडीशन वन क्या है, ER। कंडीशन वन क्या है, ER, यानी इसे कहते हैं रेफरेंस। रेफरेंस यानी जीरो। तो जीरो पोजीशन, सबसे पहले अगर उसमें कोई भी सप्लाई नहीं है, जीरो पोजीशन है, यानी ये पोजीशन पकड़ लो ER, इस वक्त क्या होगा, ये जो गैप है इस पे भी जीरो वोल्टेज आएगा। जीरो वोल्टेज आया तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो रहे हैं वो नॉर्मल अपना नॉर्मल ही जाते जाएंगे, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि जीरो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। तो ये नॉर्मली कुछ देर तक यहाँ तक जाएंगे, जाके ये रिटर्न वापस आ जाएंगे, और यहाँ से आउटपुट अपन ले सकेंगे। क्यों यहाँ से रिटर्न क्यों जाएंगे, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि रिपेलर पे कौन सा सप्लाई है, निगेटिव सप्लाई है, और इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा सप्लाई है, निगेटिव सप्लाई है। तो सेम चार्जेज अगर रहते हैं तो ये एक मेक से दूर जाते हैं, और इसके वजह से यहाँ तक पहुँच ही नहीं जाएंगे, ये अपने आप रिटर्न होके अपोज होने के वजह से यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो ER इज द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स एज वन दैट पास द गैप ऑन इट्स वे टू रिपेलर एट द टाइम वेन द गैप वोल्टेज इज जीरो। इस वक्त क्या रहेगा, गैप वोल्टेज इज जीरो। दिस इलेक्ट्रॉन इज अनअफेक्टेड, इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कोई इफेक्ट असर ही नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। एंड रिटर्न टू इट हैविंग पेनिट्रेट सम डिस्टेंस, ये कुछ डिस्टेंस तक तो आगे बढ़ेगा। क्यों आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ तक उसका रेंज है रिपेलर का, यानी यहाँ तक अगर रेंज है, जैसे मैग्नेट का रेंज, जो मैग्नेट का रेंज कुछ डिस्टेंस तक रहता है, तो वहाँ तक वो आगे बढ़ेगा, और इसकी रेंज जैसे चालू हो गई उसके बाद ये चुपचाप से वापस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। पेनिट्रेट सम डिस्टेंस इन टू द रिपेलर स्पेस, कुछ डिस्टेंस के बाद ही, कुछ डिस्टेंस तक इसके बाद भी जाएगा, और जहाँ पे इसकी रेंज चालू हो जाती है उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, सीधा रिटर्न चले जाएगा। तो ये होगी कंडीशन वन। कंडीशन टू में क्या है, द अर्ली इलेक्ट्रॉन ई, यहाँ पे क्या होता है, ई यानी क्या है सप्लाई, निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव सप्लाई यानी क्या, यहाँ पे ये जो सप्लाई, अभी ये गैप पे कौन सा सप्लाई आएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा सप्लाई है, निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई के वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जैसे बढ़ती है,
वैसे ये अभी ये जो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा था, अभी ये स्पीड बढ़ने के वजह से, जैसे एक बॉल अगर अपन फेंकते हैं तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर तक जाता है। ऐसे पकड़ के चलिए कि अगर यहाँ से पॉजिटिव दिया तो ये इलेक्ट्रॉन उसके तरफ अट्रैक्ट होने के वजह से इसकी स्पीड बढ़ेंगी, और स्पीड बढ़ने के वजह से ये ज़्यादा डीप तक जाएगा, यानी आगे तक जाएगा, और ये वापस चले जाएगा यहाँ से। तो कंडीशन वन और कंडीशन टू में एक ही फर्क है, एक ही डिफरेंस है, ये यहाँ पे डिस्टेंस पहले कंडीशन में कम डिस्टेंस तक जाता है, और दूसरे कंडीशन में स्पीड बढ़ने के वजह से ज़्यादा दूर तक जाता है, लेकिन इसके तरफ जा ही नहीं सकता, ये रिटर्न वापस आ जाता है। तो इसमें भी देख लेते, अर्ली इलेक्ट्रॉन ई दैट पासेज द गैप बिफोर द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी बिफोर यानी इसके रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के पहले एक्सपीरियंस अ पॉजिटिव वोल्टेज एज द गैप, एक्सपीरियंस ए पॉजिटिव वोल्टेज, ए पॉजिटिव वोल्टेज अक्रॉस द गैप, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड एंड मूव विद ग्रेटर वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब स्पीड, ज़्यादा स्पीड में जाता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव जो गैप में एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव एनर्जी है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है वेलोसिटी, एंड पेनिट्रेट डीप इनटू द रिपेलर स्पेस। पेनिट्रेट यानी ज़्यादा आगे तक बढ़ना, यानी इसके वजह से डीप तक बढ़ता है, डीप यानी ज़्यादा आगे तक बढ़ता है। दिस इलेक्ट्रॉन विल टेक स्लाइटली ग्रेटर टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है इसे वापस आने के लिए देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन टू रिटर्न टू द गैप, यानी इसे ज़्यादा वक्त क्यों लगा, क्योंकि ज़्यादा आगे अगर एक आधे गलत डायरेक्शन में गाड़ी चली गई तो वो वापस आने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे पकड़ के चलो कि अगर एक गलत डायरेक्शन में जाना है इसको इधर है, लेकिन एक गलत डायरेक्शन में इसकी गाड़ी चली गई तो इसको आने के वापस जाने के लिए भी ज़्यादा ही समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से इसको ज़्यादा टाइम समय लगता है, स्लाइटली ग्रेटर टाइम देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन टू द गैप। कंडीशन थ्री, कंडीशन थ्री में जैसे यहाँ पे पॉजिटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया, अभी कंडीशन थ्री यानी निगेटिव। अभी यहाँ से जो सप्लाई आएगा गैप पे निगेटिव सप्लाई आएगा, अब निगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स पे भी कौन सा सप्लाई है, निगेटिव, तो ये क्या होगा, निगेटिव ये इलेक्ट्रॉन के निगेटिव को रिपेल करेगा, इसके वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये और स्लो हो जाएगा, स्लो होगा तो ये जल्दी वापस आएगा। पहले उस टाइम पे ज़्यादा डीप तक जाता था पहले दूसरे कंडीशन में ई के कंडीशन में, अभी इस वक्त क्या होगा, ये यानी यहाँ से निगेटिव सप्लाई आ रहा है, जैसे ई आई पे निगेटिव मैक्सिम निगेटिव सप्लाई यहाँ पे आया और इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव है, तो इसकी वो एक मे को अपोच किया निगेटिव और इलेक्ट्रॉन ने, तो ये इसकी स्पीड कम कर दिया, स्पीड कम हुआ तो भी ये यहाँ ज़्यादा अंदर तक भी नहीं जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा और ये रिटर्न होके बाहर से निकल जाएगा। तो ये होगी थर्ड कंडीशन, द लेट इलेक्ट्रॉन्स ई आर, लेट क्यों बोला गया है, क्योंकि ई आर के बाद है, लेट आ रहा है, दैट पासिस द गैप लेटर देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, यानी लेटर यानी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद एक्सपीरियंस अ निगेटिव वोल्टेज एट द गैप, यानी एक्सपीरियंस द निगेटिव वोल्टेज एट द गैप, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिटार्डेड एंड रिटार्डेड यानी ये रिटायर्ड होना है ना, जल्दी खत्म होना, खत्म होना, एंड शॉर्टन्स इट्स स्टे इन रिपेलर स्पेस, यानी ये कम समय में ये रिपेलर स्पेस में रहते, यानी रिपेलर स्पेस यानी ये कम समय में रहते, क्योंकि ये फास्ट में वापस जाके बाहर निकल जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन विल टेक स्लाइटली लेस टाइम, क्योंकि ये ज़्यादा सामने जा ही नहीं रहा तो इसको वापस जाने के लिए कम समय लगता है, देन द रेफरेंस विल स्लाइटली लेस टाइम देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन टू रिटर्न टू द गैप, इसको वापस जाने के लिए कम समय लगता है। सो ड्यू टू प्रोसेस इलेक्ट्रॉन बंचेस फ्रॉम, यहाँ पे इस वजह से इलेक्ट्रॉन बंचेस तैयार होते हैं, बंच है ना इलेक्ट्रॉन का ग्रुप तैयार होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साथ में आ गए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंच।
इट टेक आउट फ्रॉम द एनोड कैविटी आउटपुट एज अ सस्टेन ऑक्सीलेशन। और ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन के बंचेस यहाँ से यानी एनोड कैविटी से बाहर आउटपुट में अपन ले सकते हैं आउटपुट एज अ सस्टेन ऑक्सीलेटर, और कंटिन्यूसली ये बाहर निकलते रहते तो ये यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूसली आउटपुट से बाहर निकलते रहते तो यहाँ पे अपने को आउटपुट कंटिन्यूसली मिलता रहता, जनरेट होते रहता, ऑक्सीलेट होते रहता, इसलिए ये एक ऑक्सीलेटर जैसा भी काम करता है पहली कहा है, और इसको इनपुट भी कहीं से अपन दे नहीं रहे हैं। ट्रांजिट टाइम, इसको जो टाइम रखता है वो डिसाइड कैसे करते, ये फॉर्मूला से टी इक्वल टू एन प्लस 3/4 टी इक्वल टू ट्रांजिट टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यानी ये टाइम और एनी इंटीजर एन फॉर। तो ये क्या है, ये जो इसका वर्किंग किस पे डिपेंडेंट है, रिपेलर स्पेस के ये इस पे कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है। द ऑपरेशन ऑफ द रिफ्लेक्स पिस्टॉन इज सच एज मेंटेन ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन मेंटेन कर सकते फॉर द ट्रांजिट टाइम इन रिपेलर स्पेस। रिपेलर स्पेस में जो ट्रांजिट टाइम है ये अपन कंट्रोल करने के बाद यानी कंट्रोल कर सकते हैं यानी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करके। इन द रिपेलर स्पेस मस्ट हैव करेक्ट वैल्यू, अगर रिपेलर स्पेस अगर करेक्ट वैल्यू का अपन ने सिलेक्ट किया तो इसका जो टाइमिंग है ऑपरेशन का, इसका वर्किंग का जो टाइमिंग है वो अपने हाथ में उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं रिपेलर स्पेस को कम ज़्यादा करके। द बेस्ट टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू रिटर्न टू द गैप इज गिवन बाय, यानी अपने को ऐसा है कि अपने को जल्दी से जल्दी रिटर्न होके इलेक्ट्रॉन्स यासिन मिलना चाहिए, अपना एम है। तो ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ये रिपेलर स्पेस के साइज कितना है उस पे। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू एन प्लस 3/4। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है मैग्नेट्रॉन और 8 कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर। तो अभी तक अपन ने जो पढ़े हैं उसमें 2 कैविटी देखे, 1 कैविटी देखे, इसी वीडियो में शुरुआत के पार्ट में आप देख सकते हो वो। तो यहाँ पे 8 कैविटी दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 कैविटी होते हैं। ये है इसके बीच में जो रहता है उससे कहते हैं कैथोड, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है यानी ये कैविटी यानी इससे, और ये रहता है कैविटी, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये है कैथोड, वर्ड ध्यान दो कैथोड, और ये है कैविटी। तो कैविटी अलग और कैथोड अलग। कैथोड का काम सिंपल इतना है इलेक्ट्रॉन को जनरेट करना और कैविटी के तरफ भेजना, जैसे ये तैयार कर रहा है और इसके तरफ ये यानी बी, आपको ये जो लाइन दिख रही है इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। तो अभी इसका वर्किंग पढ़ते हैं। अब इसका वर्किंग में मैग्नेट्रॉन जिसे कहते हैं, दूसरा नाम है 8 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, इज अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस है क्योंकि यहाँ पे जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे है, विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन तैयार करना ऑफ हाई पावर ऑक्सीलरेटिव वेव फॉर्म। यानी इसका काम क्या है, यह हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइस है और जिसका काम है प्रोडक्शन करना ऑफ हाई पावर ऑक्सीलेटरी वेव फॉर्म। यानी इसका काम भी ऑक्सीलेटर जैसा ही है, इसको इनपुट नहीं दिया जाता है तो भी ये सिग्नल ऑक्सीलेट करता है यानी जनरेट करते रहता है, ठीक है। गैप मेंटेन बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज सेम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8 कैविटी है अलग अलग, और कैथोड एक ही है लेकिन इनका जो गैप है वो हर जगह कहीं पे भी देखो आपको सेम दिख रहा, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आउटपुट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी वन ऑफ द कैविटी, कोई भी एक कैविटी से आप आउटपुट ले सकते हो, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में एक ही कैविटी से यहाँ से आउटपुट लिया गया है। अभी इसमें कंडीशन, अभी ये इसका वर्किंग एक्चुअल शुरू हो रहा है, तो आपको ये जो मैं आगे में जो भी करूँगा इस वक्त आपको ये डायग्राम नहीं देखना है, ये भी डायग्राम नहीं देखना है, आपको देखना है ये डायग्राम। इसमें आपको यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, उसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रही वो है बी की,
और ये आपको जो दिख रही है ये है सी की, पॉइंटर की तरफ आपको ध्यान देना है, ये हो गई सी की लाइन, और ये आपको जो ये दिख रही है ये है कि चौथी डी की पॉइंट। तो ये ए, ये बी, ये है सी और ये है चौथी डी। तो ये ए बी सी डी पे ही ये वर्किंग डिपेंड है। तो कंडीशन वन यानी ए, ए यानी कौन सी लाइन, ये इसमें क्या हो रहा, यानी ये कैथोड, यानी ये कैथोड कौन सा है यहाँ पे, ये कैथोड है। और ये जो आपको ये दिख रहा है ये है एनोड, एनोड यानी इसको क्या बोला गया है, ये कैविटी, कैविटी यानी ये पकड़ के चलिए। तो ये आपको जो दिख रहा है ये कैविटी है, ये कैविटी जो आपको दिख रही है यानी ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक एक देखते हैं अपन। कंडीशन वन में, वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय द कैथोड एंड इफ नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन विल स्ट्रेट अवे स्ट्राइक द एनोड। अब ये पहली कंडीशन क्या बोल रही है, ये है ये है कैथोड जिसका काम है इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करना, पहली बताया। अभी इसके बीच में ये जो गैप दिख रही है, ये जो गैप है ये गैप में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रहता है, ये गैप में मैग्नेटिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक जो है ऐसा पकड़ के चलो कि एक नॉर्मल इंसान जा रहा है और कुछ गुंडे वगैरह आके उसका, अगर चोर आते हैं वो चोर उस नॉर्मल इंसान जो जा रहा है यहाँ से निकलना है उसको और यहाँ तक जाना है, तो वो गुंडे उसको यानी परेशान करते हैं, तो वो इसके वजह से ये जो नॉर्मल इंसान है उसके उस पर उसका इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसा पकड़ के चलो कि वहाँ वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय द कैथोड, अगर ये कैथोड से निकल रहा है और इस पे अगर वहाँ पे वो गुंडे यानी नो मैग्नेटिक फील्ड, इस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, या इस गैप में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल इंसान यानी ये नॉर्मल यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे वो कैथोड को, यहाँ पे वो एनोड को जाके ठीक टकराएगा, स्ट्रेट जाके यानी कैथोड से निकला और एनोड को जाके वो टकराया। देन इलेक्ट्रॉन विल स्ट्रेट अवे स्ट्राइक द एनोड, यानी वो एनोड को जाके टकराता है स्ट्रेट जाके। कंडीशन टू, कंडीशन टू यानी आपको इस वक्त देखना है ये, अभी सेकंड इसमें क्या है, कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थोड़ी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रेट जा रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड होके जाएगा, वर्ड के तरफ ध्यान दो, बेंड होके जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा था, यहाँ पे वो मैग्नेटिक के गैप में, ये जो गैप है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने के वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेंड होके आगे बढ़ेगा। तो कंडीशन टू, वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय द कैथोड इफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, उसमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है कहाँ पे, ये जो गैप दिख रही है वहाँ पे, ये जो गैप दिख रही है वहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, देन इलेक्ट्रॉन इज स्ट्राइकिंग द एनोड, वो एनोड को स्ट्राइक तो होगा यानी एनोड को टकराएगा, ये जैसे ये एनोड को टकराएगा, ये एनोड है इसको टकराएगा, लेकिन बेंडिंग होके, बेंड होके इनटू द कैविटी टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी लेफ्ट में जाके, ये जैसे लेफ्ट में जाके बेंड होके वो क्या एनोड को टकराएगा, यानी कैथोड से निकला, यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ये गैप में प्रेजेंट ही, इसके वजह से ये नॉर्मल ये बेंड होके लेफ्ट में जाके एनोड को टकराया, ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है गैप में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सी लाइन देखिए, ये सी लाइन क्या बोलती है कि ये वाली लाइन यहाँ पे इस ये जाएगा बेंड होके जाएगा लेफ्ट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे टकराएगा भी, लेकिन टकरा के ये वापस जाके ये कैथोड को तरफ वापस चले जाएगा। पहले कंडीशन में स्ट्रेट गया, सेकंड कंडीशन में ये बेंड होके लेफ्ट में जाके टकराया, वापस नहीं गया, लेकिन थर्ड कंडीशन में, सी कंडीशन में ये जाके टकरा के एनोड को,
फिर से ये जहाँ से इसका जन्म हुआ था, जहाँ से ये निकला था, वहाँ पे ये वापस आएगा। तो यहाँ पे देखते, वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय द कैथोड, इफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, देन द इलेक्ट्रॉन विल जस्ट टचेज द कैविटी एंड इट विल बेंड बैक एंड स्ट्राइक टू द कैथोड। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको ये जस्ट टच करेगा, यहाँ से कैथोड से निकला, एनोड पे जस्ट टच किया, टच करने के बाद ये रिटर्न टू द कैथोड वापस आया, इट विल बेंड बैक एंड स्ट्राइक टू द कैथोड, और ये टकरा दिया, किसको टकराया, एक कैथोड को टकराया। कैथोड क्या है, ये कैथोड। नेक्स्ट है कंडीशन फोर, यानी लास्ट। अभी पहले कंडीशन में स्ट्रेट, सेकंड इसमें बेंड होके इसको इसके पास ही रुक गया, थर्ड इसमें इसको टच करके ये वापस आया, और फोर्थ कंडीशन में ये डी कंडीशन, देखिए डी कंडीशन यानी क्या, ये वाली लाइन, ये देखिए ये पॉइंटर की तरफ, तो इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे टच भी नहीं किया, यहाँ से कैथोड से निकला विदाउट टच करते हुए, ये शॉर्ट डिस्टेंस में वापस आया। तो वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय द कैथोड एंड इफ मोर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, अभी क्या है, अभी तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे गैप में प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये बीम है, ये इधर जाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे एनोड की तरफ, उसके पहले ही ये रिटर्न, यहाँ से उसको वो जनरेट तो हुई, लेकिन ये तुरंत वापस आ जाएंगे, कैथोड को आके टकरा देंगे। तो मोर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, देन इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इनसाइड कैविटी, यानी कैविटी के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस में, यानी ये दूरी भी तय नहीं की उसने, ये शॉर्ट डिस्टेंस में ये वापस आ गई। सो ड्यू टू अबव प्रोसेस इलेक्ट्रॉन बंचेस फॉर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेज फोकसिंग इफेक्ट। यानी क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन बीम, यानी ऐसे चार इलेक्ट्रॉन बीम है, ये चार चार मिला के क्या हुआ, ग्रुप बन गया इसका, जिसे बोलते बंचेस। तो ये बंच यानी ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन रहा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन बीम बोलेंगे, लेकिन अगर चार रहे तो चार यानी क्या, एक ग्रुप, ग्रुप यानी क्या, एक बंच, तो उसे कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन बंचेस फॉर्म हुए, वहाँ तैयार हुए, और इस प्रोसेस को कहते हैं फेज फोकसिंग इफेक्ट। एग्जाम में पूछा जाता है फेज फोकसिंग इफेक्ट, तो आपको ये पूरी स्टोरी लिखना है और आखिरी में बताना है फेज फोकसिंग इफेक्ट एंड इट टेक आउट फ्रॉम द एनोड कैविटी आउटपुट एज ए सस्टेन ऑक्सीलेशन। और ये जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपन कहाँ से लेंगे, आउटपुट से लेंगे, एक कैविटी से, जैसे यहाँ से ये पूरा अंदर में जो भी खेल हुआ है ये पूरा का पूरा अपन आउटपुट से लेंगे, कैचर कैविटी के आउटपुट से यहाँ से ये लेते रहेंगे, तो इसे कहते हैं फेज फोकसिंग इफेक्ट। और ये एज और ये कंटिन्यूअसली ये यहाँ पे ये ग्रुप तैयार होते रहते, बंचेस तैयार होते रहते, और ये बंचेस यहाँ से कंटिन्यू आउटपुट यहाँ से मिलते जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये आउटपुट कंटिन्यू मिल रहा है, जनरेटेड आउटपुट मिल रहा है, तो एज ए ऑक्सीलेटर जैसा काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसे मैग्नेट्रॉन को एट कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर भी कहा जाता है, और ऑक्सीलेटर भी साथ साथ में उसे कहते हैं। एक्चुअल मैग्नेट्रॉन किस तरीके से दिखता है, यह है मैग्नेट्रॉन का पिक्चर, और इसके अंदर में क्या चीज़ें रहती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यह है इसका मैग्नेट्रॉन का पिक्चर। सबसे इसके कुछ एप्लीकेशंस अपन देख लेते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, ये यूज इन यूएचएफ टीवी ट्रांसमीटर, एक यूएचएफ टीवी रहती है उसके उसको ट्रांसमीटर में टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन यूज करते हैं। यूज इन ट्रोपोस्पियर स्कैटर ट्रांसमीटर, एक एयर में एक ट्रोपोस्पियर स्कैटर ट्रांसमीटर रहता है, तो वो इस टाइप के जो ट्रांसमिशन रहते हैं वहाँ पे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन यूज किया जाता है।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन में टू कैविटी यूज किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ग्राउंड स्टेशन रहता है उसमें यूज किया जाता है, रडार ट्रांसमीटर में यूज किया जाता है, जो रडार इसके पहले अपने पढ़े हैं, पावर ऑक्सीलेटर में यूज किया जाता है जो एकदम हाई फ्रीक्वेंसी रहता है 5 to 50 GHz, मीडियम हाई वेरी हाई पावर एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, रिफ्लेक्ट क्लिस्ट्रॉन, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, ये वर्डिंग पे ध्यान रखिए, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन अलग है और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन जहाँ टू कैविटी आया है वो अलग, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में एक ही रहता है, तो इसका नाम थोड़ा आपको याद रखना है, इन रडार रिसीवर, रडार रिसीवर में यूज किया जाता है, ये ट्रांसमीटर में यूज किया जाता है, रिसीवर में करते हैं, ये लोकल ऑक्सीलेटर इन माइक्रोवेव रिसीवर, लोकल ऑक्सीलेटर में यूज किया जाता है, सिग्नल सोर्स इन माइक्रोवेव जनरेटर फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो माइक्रोवेव जनरेटर है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करने वाला है उसे वहाँ पे यूज किया जाता है, और पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक जैसे माइक्रोवेव लिंक में वहाँ पे यूज किया जाता है, और पंप ऑक्सीलेटर ये एक टाइप का ऑक्सीलेटर रहता है सिग्नल जनरेट करने वाला रहता, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर वहाँ पे ये यूज किया जाता है। स्पेसिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिकेशन पूछे जाते हैं टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर के, वो एक बार देखते हैं। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 250 MHz टू 300 GHz रहती है जो हाई फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है। पावर 10 kW टू 500 kW और 30 MW पल्स रडार के लिए और एक कंटिन्यूस वेव रडार के लिए इसका स्पेसिफिकेशन। पावर गेन 15 dB टू 70 dB होता है, 60 dB नॉमिनल। बैंडविथ, इसमें लिमिटेड बैंडविथ होती है 10 to 60 MHz की। नॉइज फिगर इसमें रहता है 15 to 20 dB, समटाइम ग्रेटर देन द 25 dB डेसिबल। थेरोटिकल इफिशेंसी 50% रहती है और प्रैक्टिकली नॉमिनली 30 to 40% रहती है। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर पढ़ा, जहाँ दो कैविटी थे और एक माइक्रोवेव सिग्नल को वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता ही है टू कैविटी एम्पलीफायर। टू कैविटी इन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन ये सेम रहता है दोनों, बस इसमें एक चेंज है, इसमें गेन कम रहता है और यहाँ पे गेन बढ़ाते हैं, दो बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच में दो कैविटी लगाते के, यानी जिसे इंटरमीडिएट कैविटी कहते हैं। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, ये एक ऑक्सीलेटर रहता है जो सिग्नल को जनरेट करता है, और मैग्नेट्रॉन जहाँ पे 8 कैविटी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके वो किस तरीके से जनरेट होती है वो अपन ने वहाँ पे देखा है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर वर्क एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द बंचिंग प्रोसेस ऑफ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ एप्पल गेट डायग्राम एंड स्टेट इट्स टू एप्लीकेशन, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस इसमें एप्लीकेशन ज़्यादा का लिखना है और एप्पल गेट डायग्राम तो दोनों में निकालना है, यानी दोनों के अपने वर्किंग सेम लिखा लिखना है, थोड़ा इसमें कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। लिस्ट द एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना है, स्पेसिफिकेशन जो लास्ट लास्ट स्लाइड में अपने देखा हुआ है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ टू कैविटी इन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, स्टेट्स इट्स इफेक्ट ऑफ बैंडविथ, तो अभी इसमें क्या है थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो बस इसमें वर्किंग लिख लेना है टू कैविटी इन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, यानी इसी का वर्किंग इसमें लिखना है टू कैविटी मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। अभी ये चार क्वेश्चन एकमेक पे डिपेंड है जो है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर पे, यानी इसमें एप्लीकेशन आ गए उसका उसके बारे में वर्किंग आ गया और स्पेसिफिकेशन आ गया। अभी यहाँ ये है नया क्वेश्चन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर ड्रॉ डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्स, ये ऑक्सीलेटर रिलेटेड जिसमें एक कैविटी रहती है। ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन, ये है क्या उसका नया क्वेश्चन, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग, ये है मैग्नेट्रॉन के बारे में 8 कैविटी के बारे में। विथ नीट
क्रॉस सेक्शनल एरिया कंस्ट्रक्शन डिटेल्स राइट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेट्रॉन। अभी ये मैग्नेट्रॉन जो वर्किंग अपन ने लिखे है वही सेम यहाँ पे आपको लिखना है, राइट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेट्रॉन। ये सब तीनों के लिए आप एक ही आंसर लिख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।